डालूंगी क्या? ये जो हमारी क्लास है MPPSC के आधार पे हम लोग बात कर रहे थे कल, हम लोगों ने चर्चा भी किया था वैश्वीकरण इत्यादि चीज़ों पर। मैंने आप लोगों से बताया भी था कि आज मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ILO के बारे में, फिर UN के बारे में, UNO से भी सवाल आता है क्यों सिराज जी, देखा था नहीं पेपर में, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पेपर में सवाल आता है इससे भी, है ना, एक ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो पहले मैं ILO के बारे में आपको बता दूं। ILO बताइए जरा क्या होता है, ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है, है ना, ये आपके इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये जानते हैं आप सभी लोग कि ये कौन सी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। तो इसलिए आप यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं सभी लोग कि संयुक्त, ठीक है, राष्ट्र एजेंसी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी लिख सकते हैं, और जिसका कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करना। इसका काम क्या होगा, कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करना, है ना, स्थापित करना, ये आपका एक पार्ट होगा इसके अंतर्गत। इसी को जब स्थापित कर लेता है तो इस प्रक्रिया में एक कार्य करता है, और उस कार्य का क्या नाम है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना। सामाजिक, ये पेपर में लिखा रहेगा, सामाजिक व आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना, ठीक है, ये आपके पेपर में वहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन यानी ऑप्शन में। ILO की स्थापना कब हुई थी, कोई भी बच्चा बता सकता मुझे? सर 1919 में बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के तहत, किसके तहत किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के तहत, ठीक है, तहत कितने अक्टूबर को, अक्टूबर 11 अक्टूबर था कि सॉरी गठन तो इसे बेसिकली तो 11 अप्रैल को हुआ था, 11 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। और इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए? मुख्यालय जिनेवा, बिल्कुल। और कहाँ पर जिनेवा पड़ता है ये? स्विट्जरलैंड। अच्छा, अगर आपने देखा होगा वैसे स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ऐसे जो भी हम लोग पढ़ते हैं संस्था वगैरह, ज़्यादातर जो है स्विट्जरलैंड का ही, जिनेवा का ही आता है, है ना। तो मुझे लगता है कि भाई अगर आप लोगों को जब टाइम मिले तो एक बार ज़रूर जाइए घूमने, है ना। एक मिनट जरा होल्ड रखना, किसी का फ़ोन आ रहा है। तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ILO संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी में से एक मानी जाती है, ठीक है। तो ILO जो है, याद रखिएगा आप सभी लोग, संयुक्त राष्ट्र की, किसकी? संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी, ठीक है, याद रखिएगा इसे, पहली व सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से, विशेष अभिकरण कह लीजिए या एजेंसी कह लीजिए, बात एक ही होता है, ठीक है, एजेंसियों में से एक है, है ना, ये भी हो सकता है कूट में लिखा रहा है,
और तो आप लोग इसको करेक्ट करिएगा सबसे पहली संयुक्त राष्ट्र की, क्योंकि कीवर्ड यही है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे पहले और सबसे विशेष मानी जाती है और इसी को एक बताता है कि एक है। कुल टोटल अगर हम बात करते हैं आईएलओ के सदस्य जो है 100 आईएलओ के जो सदस्य हैं वो बेसिकली 187 सदस्य देश हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से 186 जो है सदस्य अगर हम बात करते हैं कुक द्वीप समूह के हैं। हालांकि ये पेपर में सवाल नहीं बनेगा, फिर भी आप 187 आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ठीक है। सर क्या बोला अभी आपने इससे पहले कुक द्वीप? हाँ, ये बेसिकली क्या है, जैसे 187 सदस्य जो है ना आईएलओ के देश के हैं, ठीक है, इसमें 193 जो है ना वो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में से, ठीक है, 186 है और कुक द्वीप समूह है आइसलैंड पर, है ना, ये बताया जाता है। और इसमें लगभग अगर हम बात करते हैं 15 द्वीप हैं। तो इसके भी कुछ सदस्य देश हैं, वो भी जो सदस्य देश है वो भी अपना इसके आईएलओ के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है, उनकी भी भूमिका इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये एक कुक द्वीप समूह है, ठीक है। हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना परीक्षा में आता भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, फिर भी आप याद रखिएगा कुक द्वीप के बारे में भी। एक बात और यहाँ पर ध्यान से नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो भी, आईएलओ के मानकों का ठीक है उद्देश्य क्या है, है ना, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य दुनिया भर में अगर हम बात करें दुनिया भर में स्वतंत्रता, ठीक है, एक शब्द याद रखिएगा, स्वतंत्रता समानता, ठीक है, और सुरक्षा और गरिमा की स्थिति में सुलभ उत्पादन या उत्पादक और टिकाऊ कार्य सुनिश्चित करना, ठीक है, ये पॉइंट आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना होगा। क्लियर रहेगा इतनी बातें, तो एक बार क्लियर करिएगा। यस सर। ठीक है, इसके अंतर्गत ये चीज़ें जो है आती हैं। अब अच्छा, आपसे पेपर में सवाल पूछेगा, बताइए इसका कार्य क्या है, आईएलओ का कार्य बता सकते हो कोई, बताइए आईएलओ का कार्य क्या हो सकता है, आईएलओ क्या काम करता है, ओ का कार्य क्या है, बताइए। अभी तो बोले सर कि दुनिया भर में सर स्वतंत्र समानता सुरक्षा और गरिमा की स्थिति में सुलभ उत्पादन और टिकाऊ कार्य सुनिश्चित करना ही सर इसका उद्देश्य है सर। बिल्कुल जी, वो भी ये श्रम के परिप्रेक्ष्य में अधिक है सर। हाँ, कार्य कर सकता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझ चलिएगा पॉइंट के रूप में, क्योंकि कार्यों से ही सवाल बनते हैं परीक्षा में, जैसा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा कार्य उद्देश्य लक्ष्य से सवाल बनाए जाते हैं। तो जैसे कि एक अगर मैं कार्य बताऊं तो आप कह सकते हैं सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को, है ना, मुद्दों को हल करने हेतु निर्देशित समन्वित नीतियां का मतलब समझते हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट करना, है ना, समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का
निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना। एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना होगा जो दर्शाता है कार्यों को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभिसमय जानते हैं क्या होता है, अभिसमय का मतलब क्या होता है, सम्मेलन। अभिसमयों का तात्पर्य क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? कन्वेंशन जानते हैं, कन्वेंशन? जी सर। हाँ, तो अभिसमयन को बेसिकली कन्वेंशन कहा जाता है, आप भूलिएगा मत, है ना। क्या बोला था इसको? कन्वेंशन, कन्वेंशन। और ये आपको ना मिलेगा ऐसे पॉइंट में अगर हम बात करें तो। इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, ऐसा सम्मेलन ये होता है, ऐसा अभिशमन होता है या उसको कहा जाता है जिसमें किसी समान उद्देश्य को लेकर चर्चा होती है। जिसमें किसी समान उद्देश्य को लेकर चर्चा हो उसे क्या बोलेंगे प्लीज? कन्वेंशन। हाँ, कन्वेंशन बोलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। तो यह अभिसमयन के रूप में, है ना, रूप में अंतर्राष्ट्रीय, ये मैंने आ लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक या मानकों को अपनाना, क्या करना है, अपनाना है, ठीक है, और उनके क्रियान्वयन का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, आई थिंक, क्रिया को आगे करने में या करने के परिप्रेक्ष्य में, है ना, उसी क्रियान्वयन को नियंत्रित करना, क्या करना, नियंत्रित करना। हाँ, करना, ये आपका दूसरा रह हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एक तीसरा यहाँ पर मैं नोट करूँगा, सामाजिक एवं श्रम, ठीक है, समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका मानवाधिकार, तो आप सब लोग जानते हैं, तो मानवाधिकार को भी यहाँ पर मैं नोट करूँगा, मानवाधिकारों यानी काम करने का अधिकार, है ना, यानी मानवाधिकारों का संरक्षण करना किस परिप्रेक्ष्य में, इसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए। काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्तालाप, बलात् श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा, ये सब क्या मैंने बता रहा था, मैं आप लोगों को मानवाधिकारों का संरक्षण बता रहा था। तो मानवाधिकारों का संरक्षण करना भी ILO का पार्ट होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक लास्ट कार्य लिख लीजिए आप सभी लोग, सामाजिक एवं श्रम मुद्दों को, श्रम मुद्दों मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कोई एक ऐसा मुद्दा या कोई एक ऐसा कार्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ जो श्रम से संबंधित होता है। तो सामाजिक एवं श्रम मुद्दों, जो चुनौतियाँ होती हैं उन्हीं श्रम मुद्दों पर कार्यों का अनुसंधान का मतलब क्या होता है खोज होता है, रिसर्च करना भी आप कह सकते हो, तथा प्रकाशन करना, ये जो है इसके कार्य हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ILO का फिर लक्ष्य क्या हो सकता है, अगर ये कार्य है तो उसका लक्ष्य भी तो होना चाहिए कुछ, है कि नहीं, ILO का लक्ष्य, अगर आप ये जितनी चीज़ें मैंने ILO के संबंध में नोट करवा रहा हूँ, अगर यही आप ध्यान में रखेंगे तो ILO से जितने भी सवाल बनेंगे ना, तो आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या पॉइंट मेंशन की जा सकती है, लक्ष्य, इसका मतलब टारगेट, गोल क्या है। तो बेसिकली ये जो है कार्य के मानकों,
मानकों का मतलब जानते हो क्या होता है? मानक का मतलब क्या होता है सर? एक मतलब स्टैंडर्ड हम निश्चित करते हैं कि इसके अंदर कार्य करने हैं। बिल्कुल, जैसे हम कह सकते हैं कि जिसके आधार पर किसी वस्तु ठीक वे ठीक होने का निर्माण किया जाए, है ना जी सर। आदर्श आप कह सकते हो मानक जी, है ना जी, जी। जिसके नमूने पर कोई चीज तैयार किया जाए उसको मानक कहा जाता है ना। जिसके नमूने पर कोई चीज तैयार की जाए उसे मानक कहते हैं। मानकों एवं मौलिक सिद्धांत या मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना, उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना, ये उसका एक लक्ष्य है ILO का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सभ्य कार्य, हम ये भी कह सकते हैं कि सभ्य कार्य सुनिश्चित, ठीक है। सभ्य कार्य सुनिश्चित मतलब कोई सर्टेन चीज़ों को दर्शा रहा है, सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजन करना, ठीक है। ये आपका दूसरा लक्ष्य बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। तीसरा एक और लक्ष्य बनता है सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा तो सभी के अंतर्गत आता है, फिर भी इसके अंतर्गत तो रहेगा ही रहेगा। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना, ठीक है। एक ये हो जाएगा और एक लास्ट इसका लक्ष्य लिख लीजिए। इसका लास्ट लक्ष्य जो होगा वो त्रिपक्षीय एवं सामाजिक संवाद को मजबूत करना। ये ILO का जो है लक्ष्य बेसिकली माना जाएगा। और अभी तो मैंने एजेंडा तो लिखा ही दिया है, लिखवा दिया आप लोगों को। एजेंडा में मतलब सभ्य कार्य का एजेंडा, जैसे ILO का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संवाद, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम को जो श्रम मानक है उसके तहत सभी को सभ्य कार्य प्रदान करना, है ना। विकास भागीदारी के समर्थन के द्वारा ILO इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में 100 से अधिक देशों को तकनीक सहायता प्रदान करता है, है ना। तो ये चीज़ें आप इसके अंतर्गत ध्यान में अवश्य रखेंगे, ठीक है, जो प्रस्तुत रहेगा। आपको बता दें कि ILO ने कुल 4 श्रेणियों में, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आप लोगों के लिए, जैसे नोट करिएगा, कार्य के मौलिक सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मौलिक सिद्धांत एवं अधिकार पर ILO की घोषणा हुई थी। अब इसके अंतर्गत आप ये ध्यान रखना होगा
कि ये वर्ष 1998 का 1998 में अपनाया गया था ये कार्य के मौलिक सिद्धांत और अधिकार को। कब अपनाया गया था? 1998 में या 58 में, 1998 में है, 1958 में अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था। अब इसी घोषणा में ना संयुक्त राष्ट्रों को चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया। कितने श्रेणी में विभक्त किया गया? चार में सर। हाँ, चार श्रेणियों में विभक्त हुआ, चार श्रेणियों में मतलब बट गया, ये विभक्त हुआ। आठ मौलिक सिद्धांत, इसमें सवाल बनता है कितने मौलिक सिद्धांत हैं, तो कुल आठ मौलिक सिद्धांत हैं। तो आठ मौलिक सिद्धांत यहाँ पर लिखिएगा, ये ताकि आपको आसानी हो। ये रहे जो आठ मौलिक सिद्धांत, ठीक है, आठ मौलिक। और सर ये जो आठ मौलिक सिद्धांत हैं, ये चार श्रेणियों में थे कि ये मौलिक सिद्धांत और अधिकार का? रुकिए तो सही, ये आठ मौलिक सिद्धांत और अधिकारों को मान्यता देने पर उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध किया गया, जहां उन्होंने प्रासंगिक अभिसमय या कन्वेंशनों की पुष्टि की थी, और वो चार श्रेणियों में डिवाइड किया। तो पहले चार श्रेणियां थीं, उन चार श्रेणियों के अंतर्गत जो है आठ कन्वेंशन बेसिकली मेंशन किए गए, और वो बेसिकली कौन कौन से थे कन्वेंशन, अभी पहले आप चार श्रेणियों के नाम लिखिए, फिर आठ कन्वेंशन का भी नाम लिखिएगा। ठीक है, तो मैं पहले चार श्रेणियों के नाम आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, नंबर एक जो श्रेणी होगी, नंबर एक वो थी संघ की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार था। ठीक है, इसमें कन्वेंशन 87 और 98 जो है कन्वेंशन था। दूसरा बलात्श्रम, बलात्श्रम या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन, श्रम का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब समापन की बात करता है। इसमें कन्वेंशन संख्या जो थी वो 29 एवं 105 थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा बाल श्रम का उन्मूलन, बाल श्रम का उन्मूलन, इसमें क्रम जो कन्वेंशन संख्या थी 138 एवं 182 कन्वेंशन संख्या थी। और एक लास्ट रोजगार एवं व्यवसाय संबंधी भेदभाव का उन्मूलन, भेदभाव का उन्मूलन। ठीक है, कन्वेंशन संख्या 100 और 111 थी। ये चार श्रेणियां थी, और इसमें जो मुख्य कन्वेंशन, बेसिकली आठ मौलिक कन्वेंशन जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार फ्रेमवर्क की एक अभिन्न हिस्सा है, उनका अनुसमर्थन सदस्य राष्ट्रों ने मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत दिया था। तो कुल आठ कन्वेंशन थे, आठों कन्वेंशन मैं यहाँ पर लिखना उचित समझूंगा, और इसके बाद ये आपका पॉइंट समाप्त हो जाएगा। आठ कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता अभिसमन। ठीक है, जिसमें जो पहला था वो बलात्श्रम पर कन्वेंशन था, बलात्श्रम पर कन्वेंशन था, संख्या 29 थी। दूसरा बलात्श्रम था, बलात्श्रम का
बलात् श्रम का उन्मूलन पर कन्वेंशन था जो 105 संख्या थी। सामान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन कन्वेंशन ठीक है, जहां पर कन्वेंशन संख्या 100 थी। भेदभाव बेसिकली जो भेदभाव रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन था जो संख्या 138 बताती है। सॉरी भेदभाव है ना, तो 11 बताइए, 111 ठीक है, 111 भेदभाव वाला भी बताया ना ऊपर, देखो 111 था ना लिखा हुआ, ये देखो 111 लिखा हुआ है ना, 111। उसके बाद आपका पांचवा आता है, आपका कितना हो गया, 4 हो गए ना। पांचवा आता है न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन जो संख्या 138 बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन 182 और एक सातवां था संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन संख्या 87 और एक लास्ट आठवां संगठित एवं कलेक्टिव बार्गेनिंग सामूहिक सौदेबाजी बोलते हैं इसको के अधिकार पर कन्वेंशन ठीक है। संख्या कौन सी थी, 98 ठीक है। ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना होगा। भारत में आईएलओ का पहला कार्यकाल वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था भारत के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य मौलिक सिद्धांत पूछे या कन्वेंशन पूछता है तब आप लोग यहाँ पर जरूर यही। सर ये एक बार इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, थोड़ा बताएंगे मौलिक सिद्धांत वाले जो कन्वेंशन आठ बताए। कन्वेंशन से आपसे ये पूछेगा सवाल, सीधा सीधा कहेगा आप लोगों से कि आपको बताना है इसके अंतर्गत, कहेगा कि निम्नलिखित में से कार्य के मौलिक सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा निम्न थी। अब उसके अंतर्गत कूट आपको दे देगा, आप एक दे देगा कि समान परिश्रमिक पर कन्वेंशन, बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन, अभिशमन नहीं लिख रहा, अभिशमन लिखेगा। और फिर लिखेगा आपसे कि संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभिशमन, संगठित एवं कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अभिशमन, तो आपको उनमें से फिर कूट मिलेगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके इस तरीके से वहाँ। ठीक है सर, एक बार फर्स्ट वाला दिखाइए तो। कौन सा फर्स्ट सर, ये दोनों में क्या फर्क है, ये बलात्कार पर कन्वेंशन 29 और बलात्कार पर उन्मूलन पर कन्वेंशन?
बिल्कुल, बहुत अंतर है इन दोनों में। एक चीज तो आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो बलात् श्रम पर कन्वेंशन है, ठीक है, इस प्रक्रिया में अगर हम जब बात करते हैं तो जबरन श्रम कराने की बात कर रहा होता है उस कंडीशन पर, है ना, उस कंडीशन पर ये जो है जबरन श्रम जैसी चीज़ों को रिलेट कराता है। और आधुनिक जबरन श्रम के अपराध को समाप्त करने के लिए बेहतर एक वैश्विक नीति प्रक्रियाओं को सूचित करने में बल देता है बलात् श्रम पर कन्वेंशन, जो आपका 29 आता है। बलात् श्रम पर अगर आपको देखने को मिलता है तो दुनिया भर में ना मजबूर मजदूरों की संख्या लगभग 21 मिलियन है। इसका मतलब ये है कि आज दुनिया भर में 1000 लोगों में से 3 लोग जबरन मजदूरी कर रहे हैं। इन नए आंकड़ों का उद्देश्य यही है कि जबरन श्रम के अपराध को समाप्त करने के संबंध में ये आपको 29 बताता है। लेकिन आपके मन में अगर बात यहाँ पर आ रही है सेकंड पॉइंट पर कि बलात् श्रम के उन्मूलन या बलात् श्रम का अगर हम बात करते हैं उन्मूलन पर कन्वेंशन, तो ये आपको 105 दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 105 जो है संख्या दर्शाता है। और ये जबरन श्रम उन्मूलन का कन्वेंशन है सन 1957 में आया था, 1957 में आया था, 5 जून 1957 को 40वां एक सत्र हुआ था, उसमें बैठक हुई थी, उसमें ये जो है बताया गया था। तो ये कन्वेंशन वो होता है कि जो गुलामी से संबंधित होता है, कोई व्यक्ति जो है गुलाम बना हुआ है उसको गुलामी को समाप्त करने के परिप्रेक्ष्य में श्रमिक को उसके रोजगार को समाप्त करने में वास्तविक संभावनाओं से वंचित करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत ये प्रक्रिया जो आती है इसी को रिलेट कराती है। इसलिए आप 105वां जो संख्या नंबर दी गई है इसके अंतर्गत ये जिक्र किया गया था, ठीक है। 40वें सत्र में बैठक थी जहां गुलामी कन्वेंशन को रिलेट करता है, गुलाम बना के रखते हैं उनके साथ, उसको समाप्त करना है, है ना, उसको क्या करना है ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। सर तो ये सिर्फ यहाँ पे उन्मूलन का डिफरेंस रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बलात् श्रम। बिल्कुल बिल्कुल, जबरन श्रम कन्वेंशन बेसिकली ये 29वां था, लेकिन बलात् श्रम का उन्मूलन आपको तुरंत एक वर्ष मेंशन कर देगा। और मैं आपको बता दूं ये वर्ष बड़ा इम्पोर्टेंट होगा जब इस टॉपिक से रिलेट बनाएगा तो, और यदि ये वर्ष नहीं है तो समझ सकते हो कि आपको ये पॉइंट को रिलेट कराया है, इस पॉइंट को रिलेट कराया है, ठीक है। जब ये भी है वो भी है, दोनों हैं, लेकिन वो 29 में कोई बैठक वैठक नहीं थी उस समय, उस क्रिया को लेकर बात हो रही थी, अभिशमन था, लेकिन यहाँ पे उसके समाप्त करने का अभिशमन 1957 से प्रक्रिया को चला दिएगा, जहाँ पे व्यापार या संस्था जैसी प्रथा थी उन प्रथाओं को रोकने की बात की गई थी 1957 से। ये बात आपको, ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों से और कर रहा था को ध्यान में रखते हुए, है ना, भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है, भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है भारत, सवाल समझिएगा अच्छे से, ठीक है। भारत क्या है? भारत संस्थापक सदस्य का संस्थापक सदस्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट के अंतर्गत। यह वर्ष 1922 में आईएलओ के संचालन निकाय और अस्थाई सदस्य बना, ठीक है, कब बना? 1922 में, 1922 में, ठीक है, 1922 में अगर हम बात करते हैं आईएलओ के संचालन निकाय का अस्थाई सदस्य है, अस्थाई सदस्य है। भारत में, दूसरा पॉइंट, भारत में, ठीक है, आईएलओ का पहला कार्यालय वर्ष 1928
में स्थापित किया गया, स्थापित किया गया था। भारत के परिप्रेक्ष्य बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। और भारत में 8 प्रमुख मौलिक आईएलओ कन्वेंशन में से 6 की पुष्टि की थी भारत ने। भारत ने 8 जो यहाँ पर आपने अभी देखा है उसमें से 6 की क्या की थी, पुष्टि की थी। जानते हैं वो 6 कौन कौन से थे जो भारत ने पुष्टि की थी, जो भारत ने पुष्टि की थी? बिल्कुल सर, ये जो है एक भारत ने पुष्टि की थी इसकी पहले का, दूसरे वाले की भी भारत ने पुष्टि की थी, ठीक है, 105 वाले को, और 100 यानी भारत ने इसकी भी पुष्टि की है, और 111 यानी भारत ने इसकी भी पुष्टि की है, ठीक है, और 138 भारत ने इसकी भी पुष्टि की है, और भारत ने 182 को इसने भी पुष्टि की है। बाकी ये 2 छोड़ दीजिएगा, है ना। तो 6 मौलिक सिद्धांतों की उसने क्या क्या भारत ने पुष्टि की है। इसके परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पे ये बातें ध्यान में रखना होगा, ठीक है, क्लियर रहेगा एक बार? क्लियर जी सर। 8वें के नहीं किए वो जो सामूहिक सौदेबाजी वाली बात है जी, सामूहिक सौदेबाजी वाली क्या बात, 8 वाले की नहीं की है संगठित? नहीं, आपका 7वां और 8वां दोनों नहीं होगा, पुष्टि भारत की दोनों ने किया है, भारत ने 7वें और 8वें को नहीं। तो पेपर में सवाल बनता भी है कि किसकी पुष्टि की है भारत, किसकी पुष्टि नहीं की है। तो जब पुष्टि में कूट बनता है तो ये ऑप्शन भी इसमें 2 में से जरूर एकाध आ जाता है, तो उसको हमको एलिमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत जो है ये प्रक्रिया बेसिकली आती है, इसलिए आपको इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सामूहिक सौदेबाजी को आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, जानते हैं सामूहिक सौदेबाजी को, कलेक्टिव बार्गेनिंग को? सिडनी वेब। हाँ बहुत बढ़िया, सिडनी वेब ने किया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो ये था जो आप लोगों ने अभी देखा है, इसके संबंध में आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा, है ना। हालांकि इसको लेकर और वर्ष वगैरह से नहीं प्रश्न बनते हैं, बाकी इसी से जो सवाल पूछे जाते हैं पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इसके संबंध में। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा यूएनओ के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है, यूएनओ के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। आपने यूएनओ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, इसको क्या बोला जाता है बताएंगे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ नेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंतर्गत ये जो ना वैश्विक शांति और सद्भावना, युद्ध जैसी संभावनाओं को टालने और वैश्विक देखभाल की आवश्यकता पर बल देता है कि नहीं? पूरी दुनिया के समक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डी चार्ली ने इसका प्रस्ताव रखा था। तो यूएनए का या यूएनओ का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप कह सकते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ प्रस्ताव, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखेंगे, और एक ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ठीक है,
इनका नाम। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था? डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और जो ब्रिटेन के प्रधान राष्ट्रपति नहीं इसके प्रधानमंत्री ब्रिटेन क्या थे प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? विजडम डी जो है चर्चिल ने प्रस्ताव रखा था। तो ये दो नाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने नाम सैन फ्रांसिस्को है ना। अमेरिका में इन्होंने यूएसए में 25 अप्रैल 1945 ईस्वी को इसकी रूपरेखा अंतिम लक्ष्य प्रदान किया और चार्टर निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। रूपरेखा व चार्टर तैयार किया ठीक है चार्टर तैयार किया ठीक है ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ठीक है कहाँ पर किया? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। और अमेरिका के किस शहर में? अमेरिका का शहर है ना सैन फ्रांसिस्को ठीक है। इस शहर में इसकी स्थापना की गई। जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उस समय कुल कितने देशों ने सदस्य हस्ताक्षर किया था? इसकी स्थापना के समय ठीक है 50 देशों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था ठीक है। परंतु आप एक बात और यहाँ से ध्यान रखिएगा परंतु 91 देश के रूप में हस्ताक्षर पोलैंड ने किया था ठीक है ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और पॉइंट वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन देशों की संख्या कितनी है? 193 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना होगा ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक
संगठन है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको इसका मुख्यालय ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर में स्थित है, शहर में स्थित है, ठीक है। और यूएनओ का महासभा, यूएनओ का महासभा का पहला बैठक लंदन में संपन्न हुआ था, ठीक है, संपन्न हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बैठक कब सर, डेट बता दीजिए। डेट आपको 1947 को ही लगाइए, 1947 है ना। यूएनओ का पहला बैठक लंदन में, ठीक है, और डेट में आप लगाइए, क्या लगाया आपने वो 1947 क्या लगाया आपने? 47 लगाया सर, 47 पहला सत्र था, आप 47 हटाइए, यहाँ पे लिखिए 17 जनवरी 1946 पहला सत्र को बोल दीजिएगा यहाँ पे, या पहला बैठक या पहला सत्र यहाँ पर कर लीजिए। 47 में बेसिकली ध्वज को अपनाया गया था, 47 में क्या अपनाया गया था मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। यूएनओ के ध्वज को 1947 ईस्वी में अपनाया गया, ध्वज को अपनाया गया था, जिसमें आप लिखेंगे सफेद रंग में विश्व का वृत्ताकार मानचित्र है, आपने देखा होगा मानचित्र है, जो जैतून के वृक्ष से घिरा हुआ है, ठीक है, ये आप इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। यूएनओ का अपना संविधान है, जानते हो ना, यूएनओ का अपना क्या है, संविधान है, ठीक है, यूएनओ का अपना संविधान है, और इसमें कुल 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं, क्या है, 111 अनुच्छेद हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा, बताइए। यस सर, जी सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूएनओ की सदस्यता, एनओ की सदस्यता, ठीक है, अनुच्छेद चार के अंतर्गत है, या अंतर्गत प्रदान की गई है, सदस्यता पूछा जाता है कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग कही गई है, तो सदस्यता जो है ना अनुच्छेद चार के अंतर्गत कही गई है यूएनओ की, और इसी सदस्यता के लिए अनुशंसा सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्थापना के दिनों में जब इसकी स्थापना हो रही थी, सर ये अनुशंसा क्या जाता है? अनुशंसा एक सुरक्षा परिषद है, अनुशंसा सुरक्षा परिषद है, और इस परिषद की स्थापना के दौरान या सदस्यता के दौरान बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने 6 मुख्य अंगों की स्थापना की थी। और 6 मुख्य क्या हैं अभी मैं बात करूंगा उनकी 6 के बारे में, ठीक है ना। अनुशंसा सुरक्षा परिषद अभी मैं बताऊंगा आगे, तो अभी आपको क्लियर हो, परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा इतनी बात कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सुरक्षा परिषद सहित 6 मुख्य अंगों की स्थापना की थी। तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को देता है, जो शांति को खतरा होने पर मिल सकती है, इस प्रक्रिया पर यह बात की थी। तो अभी इसके 6 हैं, कौन कौन से हैं अभी मैं बताऊंगा। तो स्थापना के दिनों सदस्य, स्थापना के दिनों सदस्य देशों की संख्या कितनी थी अभी मैंने बताया भी था आपको, 50 थी सर। अरे भाई जो लास्ट में हस्ताक्षर किया था पोलैंड, 51 पोलैंड, यस सर। पोलैंड को भी तो काउंट करो, है ना। वर्तमान में कितना है अभी बताया था, 193। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, 2011 में द सूडान सदस्य बना था, 2011 में, ये लास्ट वाला है 2011 में, ठीक है। 2011 में क्या बना था, दक्षिण सूडान सदस्य बना था, जी सर। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघों को संयुक्त राष्ट्र के नाम से कब जाना गया बताइए, संयुक्त UNO को संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते भी हैं, मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ आपके क्लासेस में, संयुक्त राष्ट्र के नाम से 1950 ईस्वी से पुकारा जाने लगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर रहेगा जी। उसके बाद यूएनओ का संघ में जो यूएनओ है, इस यूएनओ की भाषा जानते हो कौन कौन सी है? इसमें कुल 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 6 भाषाओं की, ठीक है। और इसमें कौन कौन से है, अंग्रेजी सर, अरबी, चीन, रशियन, रूसी, चीनी और फ्रेंच और स्पेनिश और सर अरबी, अरबी, ये 6 भाषा थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कुल 2 कार्यकारी भाषाओं का मान्यता प्रदान किया गया है, 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, जानते हो कौन सी, 2 यूएनओ 2 कार्यकारी भाषा है जिसमें काम वगैरह होता है, नंबर 1 अंग्रेजी और नंबर 2 फ्रेंच। नंबर 2 मान्यता कितनी भाषा की है बताइए, वो 6 है सर, 6 भाषा है कार्यकारी भाषा, बिल्कुल। उसके बाद ये थे आपके यूएनओ के बारे में भाषा को लेकर, है ना। अच्छा आपको बता दें इसमें यूएनए का सर्वाधिक वित्त पोषी 3 सदस्य हैं, हालांकि यूएनए प्रत्येक 2 वर्षों पर बजट पेश करता है। यूएनए जानते हैं आप लोग, बजट जैसे सबका 1 साल में आता है ना, तो यूएनओ का बजट कितने वर्ष में आता है, यूएनओ का 2 साल में एक बार, हाँ, बजट जो है, बजट
बजट जो है 2 वर्ष पर पेश किया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, है ना। MPSC में फैक्ट ही बेसिकली देखने को ज़्यादा मिलेगा, है ना। और यूएनओ के सर्वाधिक वित्त पोषित 3 देश का नाम बताइए ना, बताना है आपको यूएनओ का। अगर यूएनओ के सर्वाधिक वित्त पोषित 3 देश, मतलब जानते हो जो देते हैं वित्त, यस सर, जिनका जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। हाँ समझ गए। 3 देश जानते हैं कौन कौन से हैं, 3 देश सर, यूएसए, यूएसए खुद है सर, चाइना और जापान। नहीं, पहले नंबर पे यूएसए, सही आपने बताया था। नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पर जर्मनी। नंबर 1 पे जो यूएसए है लगभग 22%, जापान जो है 16.62%, जर्मनी जो है 8.66%, इतना जो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगामी परीक्षा वगैरह में हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। संयुक्त यूएनए के अंग हैं, जानते हैं कुल कितने अंग हैं यूएनओ के अंग, बता सकते हो कोई भी स्टूडेंट कितने अंग हैं? 6 सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, निधि जी सर, सुरक्षा परिषद। नंबर 3 आपका न्याय परिषद। नंबर 4 आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और नंबर 6 सचिवालय, ठीक है। ये जो है 6 बेसिकली इसके हैं, क्लियर है? एक बार कंफर्म करिएगा। जी सर। ओके। उसके बाद यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में, हाँ नीदरलैंड के हेग में, पेपर में सवाल आया हुआ है ना, जी सर स्थित है ना, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है यूजीसी में, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि अभी न्यूयॉर्क भी लिखा है आपने, पता चले आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। इसके अलावा अधिकांश कार्य न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय से किए जाते हैं, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा यूएनओ के बारे में। उसके बाद आपका आता है यूएनए का जो अंग है, अभी भी आपने अंग पढ़ा है ना, पहला अंग क्या पढ़ा था? महासभा पढ़ा था। इसमें कुछ मेन मेन बातें हैं, है ना, ठीक है।
तो यूएनओ के संचालन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका यूएसए। अरे भाई महासभा की। हाँ सर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है महासभा की है, महासभा की, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है यूएनओ का महासभा की? न्यूयॉर्क में सर, न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क शहर में, बिल्कुल सही बात। उसके बाद यूएनओ के सदस्य देश के महासभा के सदस्य देश होते हैं जो यूएनए के या यूएनओ के जो सदस्य देश हैं, देश ही महासभा के सदस्य देश हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, वही रहेंगे जो हैं, ठीक है, इसमें कोई अलग से नहीं है। इसकी बैठक का समागम वार्षिक होता है, इसकी बैठक का समागम वार्षिक होता है, वार्षिक होता है, बैठक वगैरह जो होती है इसकी ईयरली की जाती है, ठीक है। महासभा में पहला संबोधन, महासभा में पहला संबोधन महासचिव, महासचिव और इसके बाद अध्यक्ष का संबोधन होता है, अध्यक्ष का संबोधन होता है, ठीक है। यूएनओ के निर्णय लेने वाली अंग कौन सी है बताइए? यूएनओ में निर्णय लेने वाली अंग कौन सी है? महासभा ही होगी। हाँ, महासभा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, ठीक है। यूएनए के अंगों के सदस्यों का चुनाव करवाती है ये अंग महासभा, महासचिव की नियुक्ति यही करती है यही अंग, संयुक्त राष्ट्र के बजट के स्वीकार करती है यही यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव भी यही महासभा करती है। सभी महत्वपूर्ण जो निर्णय होंगे वो कौन लेता है? यूएनओ लेता है। नए सदस्य देशों को प्रवेश करते हैं, जो नए सदस्य बनते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बारे में बात करते हैं तो यही होता है। इसी यूएनओ की महासभा में कुल 7 समितियां मिलकर कार्य करती हैं, कुल 7 समितियां वगैरह मिलकर क्या करती हैं यहाँ पर कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग 5 कार्य बचे हुए हैं, 5 कार्य पर बात कर लेंगे, ठीक है। सर, महासभा का अध्यक्ष आप बता चुके हैं, कैसे चुनते हैं? किसका अध्यक्ष? यूएनओ का। यूएनओ का जो अध्यक्ष का चुनाव होगा है ना, जो न्यायाधीशों का चुनाव होगा, जो बजट पर बात होगी, उन सभी प्रक्रिया में महासभा की ही भूमिका होती है ना। तो यूएनओ के चुनाव की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबकी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में चुनाव की प्रक्रिया है ना, सबकी अलग अलग चुनाव की प्रक्रिया है यूएनओ में, ठीक है। यूएनओ में चुनाव की प्रक्रिया सबके लिए अलग अलग दी गई है, समझ रहे हैं आप? जी सर। तो उसमें आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डीप में। सर, अभी 7 समितियां क्या बताई है यूएनओ की, महासभा की 7 समितियां? हाँ, ये महासभा के अंतर्गत जो है 7 समितियां आती हैं, उसके अंतर्गत जो है जिक्र होता है, वो भी समितियों वगैरह के बारे में
यूएनए महासभा है ना, एक अंग जी, 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 उस महासभा में कुल सात जो है समिति है, समिति है सात, है ना, सात समिति है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी समितियां वगैरह हैं, जैसे वही चीजें आती हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उस संरचनाओं के अंतर्गत जो आते हैं उन्हीं का नाम देखने को मिलता है, जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, महासभा हो गया, सचिवालय हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, यूएनओ में ट्रस्टीशिप एक काउंसलिंग होती है वो हो गया, ठीक है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को ही बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बताई गई है, और कहीं कहीं इसको बेसिकली छह समितियों के रूप में वही नाम आ जाता है महासभा को काउंट करके, ठीक है। अध्यक्ष के चुनाव सर एक सदस्य देश के सर एक तिहाई बहुमत के अनुसार होता है एक वर्ष के कार्यकाल के लिए सर। हाँ, ये तो महासभा के जो अध्यक्ष सर, जी 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 सर, अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अलग अलग प्रोसेस, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं प्रोसेस या प्रक्रिया के दौरान, जिस तरीके से अन्य कंट्रीज में वगैरह में होता है उसी प्रक्रिया में इसका भी चुनाव होता है ना। इस समय वर्तमान में कौन अध्यक्ष है जानते हैं आप लोग, कौन इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं यूएनओ के? जी सर, जी सर, बताइए नाम उनका जो वर्तमान में इस समय है। अब्दुल्ला सईद सर। अब्दुल्ला सईद जी, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना, कल जो बचा हुआ है सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा सर, हल्का सा ऊपर सर, हल्का सा। हाँ, ये पीडीएफ फील हो चुका है, पूरा समाप्त हो गई है। नहीं सर, जो अभी महासभा के बारे में सर लिख रहे थे ना, वहीं पर थोड़ा सा एक लाइन छूटा है सर। हाँ, बस यहीं पे सर, थैंक यू सर। मैं इस पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर देता हूँ, अभी आपके ये ग्रुप में भेजता हूँ।